नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्या है, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आदिपुरुष फिल्म के बारे में। आदिपुरुष का डे फोर कैसा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको याद होगा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान थी, तीन दिन कमाल की कमाई की 100 करोड़ के ऊपर की। उसके बाद ये वो फिल्म धराशायी हो गई थी, 145 करोड़ का उसका लाइफ टाइम कलेक्शन था। तो बिल्कुल इस फिल्म के साथ भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। 3 दिन फिल्म ने अच्छा रिस्पॉन्स अर्जित किया, लेकिन चौथे दिन फिल्म बहुत बुरी तरह डगमगाते हुए 75% के ऊपर तक का ड्रॉप लेती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की बात तो 9% की थी, 9% की। आफ्टरनून शो की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 12% 12% के आसपास। इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी लगभग 15% और नाइट शो की ऑक्यूपेंसी मुश्किल से 17%। टोटल ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की पूरे दिन की लमसम आई है तो 13-14% की आई है, और पहले दिन की ऑक्यूपेंसी 41% तक की थी। तो 13-14% की ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। अब 3 दिन का मैंने मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताया था, 73.50 करोड़, और आज इस फिल्म का 9.5-10.5 करोड़ के रेंज में कलेक्शन सामने नजर आ रहा है। इस रेंज में अगर कलेक्शन हुआ है तो फिल्म का टोटल हो जाएगा तकरीबन रुकिए मैं बता दूं कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, टोटल इस फिल्म का लमसम हुआ होगा आज, अगर 9.5-10.5 करोड़ इसने कलेक्शन किया होगा तो 3 दिन का कलेक्शन तकरीबन 73.25 करोड़ तक आया था। टोटल हो चुका है इस फिल्म का 112 करोड़ 50 लाख, 112.50 करोड़ लमसम आया है, 112 करोड़ 50 लाख। आज अगर ये 9.5-10.5 करोड़ कमाती फिल्म पर टोटल हो जाएगा 122-123 करोड़। इस फिल्म विल क्रॉस 122-123 करोड़, यानी कि एक चीज साफ रहेगा, ये फिल्म ट्यूबलाइट जो सलमान खान की फिल्म थी उसका कलेक्शन कुछ 120 करोड़ के आसपास था, उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी ये फिल्म। श्री फिलहाल कितना ही, बाय बाय।